So hello everyone, this is Rishabh. You guys are watching Rishabh Vlogs and I am at, oh my god, that bottle sucks. नहीं गिरी नहीं है, रुकी हुई है. हाँ, तो उधर से अंदर विल गेट देयर. ओके, सो वी आर गोइंग टूवर्ड एलिफेंटा, जो एक छोटा सा आइलैंड है मुंबई में. एंड बोट, अभी हम लोगों ने बोट लिए. इधर बैठ, इधर आना. तो अपन लोग लास्ट कितने फोर्थ डे पे आए ना अपन लोग यहाँ पे. सो वी आर कमिंग ऑन द फोर्थ डे. पीछे पे अभी हम लोग यहाँ जाएंगे एलिफेंटा जो आइलैंड है, वहाँ जाने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ का गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखाता हूँ. के बाद थोड़ा सा रूम अराउंड करेंगे मरीन ड्राइव के, मतलब समझ लो शोर पे कोस्टल एरिया है, तो इट विल बी गुड. लेट मी स्टार्ट सम सिनेमैटिक शॉट्स. ज्यादा भी यहाँ पे इंजन वगैरह चल रहा है तो फाइनली वी आर एट द राइट प्लेस एलिफेंटा. सोच तो रहे टॉय ट्रेन लेने का, लोगों को बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा. कुछ खाने वाने के ले लेते हैं. मिनी ट्रेन का टिकट 10 रुपये. ओ माय माय. तो जो हम लोग टॉय ट्रेन की बात कर रहे थे वो ये है. ट्रेन के अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपये शायद ले रहे हैं, मैंने अभी देखा था पोस्टर. क्या देंगे यार 10 रुपये इसका भी. अब आए इतने दूर, थोड़ा बहुत चलना बनता है ना. मेरे सन ग्लासेस घूम गए हैं, पागल हो जाऊंगा. इतना धूप लग रहा है आँख में, पता नहीं चलते. अबे मेरा चश्मा घूम गया, मेरी तो आँखें फूट जाएंगी लग रहा है. फटे हाल धूप है, फटे हाल है कि नहीं बे. मेरे को तो लग रहा है IIT में छूट गए. एकदम ब्राइट सन है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है. हालत ख़राब कर रहा है भाई बोलने लायक. अरे यार हम लोग को लगा कि ना 5-10 मिनट का होगा आना यहाँ पे, ज़्यादा आधा घंटा होगा. बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार ना, 1-1.5 घंटा लग गया होगा कुछ आते. डेढ़ घंटा लग गया हम लोग को आते आते, इसलिए ना हालत ख़राब है थोड़ी सी. मैं भी कुछ खान पान कर लेता हूँ. क्या बोल रहे कई लोग बसेरा बना कर. अब बोल नहीं, नहीं अब बोलना. मंदिर की खोज कर रहा है अगला यहाँ पे भी. तो अभी हम लोग जस्ट अभी लंच किया हम लोगों ने और एकदम डाउन हो गया था वहाँ पे भी. मेरे को थोड़ा सा स्नूजी एकदम फील हो रहा था, तो हैव टेकन अ कॉफी एंड इट्स लाइक अ टेस्ट चार्जर इन योर बॉडी चार्ज्ड अप. अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं एंड टू मच शॉप्स आ रहे हैं, टू मच. यहाँ पे कपड़े वगैरह की भी शॉप्स है और बहुत एसेसरीज वगैरह से लेकर हर चीज की यहाँ पे शॉप्स है. तो डोंगरगढ़ की सीढ़ी लग रही है वो भी ऐसी रहता है क्या? एकदम ऐसी खड़ा पहाड़ी है ना, अभी नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही खड़ा है. सो फाइनली हालत खराब हो गई है, पूरा पहाड़ चढ़ डाले हम लोग. बट द व्यू इज माइंड ब्लोइंग. बहुत मेहनत करके ऊपर चढ़ गए भाई, हाथ पैर तो पूरे हालत खराब हो गई. आदत नहीं है ना इतनी ऐसा. क्या वर्कआउट्स वगैरह हम लोग कर नहीं रहे आजकल क्या? फिर उतरेगा फिर तो पॉइंट है ना. सो यहाँ से पूरा का पूरा जंगल वाला इलाका है जिसमें पूरी रोड्स वगैरह को बनाया गया है यहाँ पे. तो हम लोग वैसे ही कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे. सीन तो बहुत बहुत बेहतरीन है पीछे मेरे एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग वेल. 3-4 जगह बची हुई है तो अभी वहाँ पे भी जाना है हम लोग को. जितना जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा है. क्या बात है, कैसे देख रहा है भाई तू, एकदम भाई हीरोइक लुक था तेरा ना. ये हालत ख़राब होने की वजह से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं कि पूरी रोड ही रोड बनी हुई है. आगे जाके कोई एक स्पॉट होगा तो वहाँ फोटो खींचेंगे. मैं भी उस साइड पे हम लोग देखा था ना, वहाँ पे स्पॉट है तो वहाँ चलेंगे. और यहाँ पे तो सिर्फ के सिर्फ नीचे ही जाना है, तो फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे. मजा आओ ना बात को कि दिक्कत के हाथ में हारने वाली है. तो वो इतना मेहनत नहीं करना है क्योंकि हम लोग को थोड़े लेट नाइट तक आज हम लोग को थोड़ा सा ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हम लोग को वापस घर जाने के लिए. गर्मी भी बहुत है. हाँ यार गर्मी भी हो तो कोस्टल है ना एक्चुअली, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे. मैं बोलूँगा अगर आप लोग घूमने आते हो तो ट्रेन मत लेना क्योंकि ट्रेन ज़्यादा दूर तक छोड़ती नहीं है, सामने तक ही छोड़ेगी. 100 मीटर 100 मीटर छोड़ेगी, बस हो गया फिर. चल तू खड़े तो मट्टी फेंकूंगा फोटो नहाने के लिए जगह की ना, तो गाड़ी उधार ले लेके. ये अभी राजा है ये गाड़ी ऑन करके रखा बोले तो राजा. इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया को अगला इंडिया गेट कर रहा है. कल रात में भी वही सर्च कर रहे इंडिया गेट कहाँ है मुंबई में कर. पगला गई सोका है, तू ही तो पहले बोला था. अबे तो मैं बोला, पहले बोला हाँ गेटवे ऑफ इंडिया, अगला तो भाई मैप में ही ढूंढ रहा. गेट और इंडिया सब दोनों की है. एक में वे है एक में नहीं है. कितना ज्यादा होगा, 2-3 दिन निकल रहा है.
ना उसको बाद में पकड़ना विदाउट टाइप को छोड़ दिया है। अबे छोड़ा क्या, हूँ रिकॉर्ड कर रहा है क्या सब? बाबा यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आदमी क्या बोल रहा है। फ्रेम तो बढ़िया लग रहा है ना, बैकलाइट आ रही है पीछे से, सेक्सी है सेक्सी। ओ तो फोटो वोटो खींचा चुकी है, यही सब मेरे इंस्टाग्राम पे डलेगा, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ पोस्ट। और बाकी मिस्टर विजय कुमार हमारे फोटोग्राफर यहाँ बन के फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत पसीना हो गया यार मेरे को, चल एक एक दो तीन फोटो खिंचा लेते हैं फिर उसके बाद अपन लोग आगे निकलते हैं, ठीक है। सो इसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है, कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? दो शब्द क्या बोल रहे हैं? फिर से आगे हूँ और बोलते हालत खराब हो गई। हाँ हाँ, अभी ना बेहोशी की हालत में था ना, अगला ज़्यादा बात करके दिखा रहा है मैं। हाँ ढुला कर रहा है ना तू, मैं तो चल रहा हूँ फिर भी। 20 रुपये से तो तू खींच फिर, और क्या, मेरे से ले लेना, मेरे से ले लेना ना, खींच लेना। 100 फोटो खींचा अभी तक। अरे भाई क्या व्यू लग रहा है, देख हो गया तेरा व्यू। अबे तुझको क्या पसीना आ रहा है, तू मर चुका है भाई। तो चल ना उधर आगे चल, और थोड़ा तो खिला रहा है क्या? अबे तू तो खाना तक तो खाया नहीं है ढंग से, पागल जैसे चल रहा है तू ना। मेरे को भी क्या है अपना इसमें से बैकपैक वगैरह लेके चलने का आदत नहीं है ना, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? टी जी बे। अबे हाँ बे, अगर सोच तू इतना ऊपर जा रहा है और तेरे को लग गई 2 नंबर, नीचे देख लिया हमें बाथरूम। अच्छा पहले ही अपना जुगाड़ कर लियो क्या सर आप? ओ खड़ा है ओ भाई भाई भाई। अरे भाई यहाँ से दिख रहा है बे असली असली जलवे वाले व्यूज, जलवे पैसे हैं भाई, इसी के पैसे हैं। तगड़ा भाई तगड़ा, मजा आ गया यार, क्या जगह है एकदम, व्यू तो सॉलिड आर। यहाँ से गिरेगा तो बचेगा क्या भाई तेरा कुल्ला? अगर गिरेगा तो तू खत्म है फिर तो। गिरेगा गिरेगा। फोटो खींच रहे हो, चलो अपन लोग और ऊपर चलते हैं। ठीक है जगह तो, बाकी मैं चढ़ाई बहुत है यार। अब पहाड़ में तो कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज चढ़ाई तो होगी ही, पहाड़ है। गोल्डन सनशाइन है, एक तोप है कुछ ज़्यादा ही बड़ी। अबे सही में भी बहुत ज़्यादा ही बड़ी तोप है, बड़ा मेरा तोप है। तेरी तो हालत खराब है भाई, देखो पूरा का पूरा तोप का स्ट्रक्चर है तो सरियल कहना नहीं थे। क्यों तेरे घर में इससे भी बड़ा तोप है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी तो था। कूदेगा क्या भाई यहाँ से हाँ कूदेगा क्या? मैं कूदूँ क्या? रिकॉर्ड करेगा? पड़ेगा ना तोप उठा रहे, अभी बेस बल्ला लग रहा है, उठाना उठाना बे। साइज देखो साइज, लेके कैसे आऊंगा यहां पे? अबे यहीं बिल्ड कर ले हुए कहीं, पता नहीं पूरा अंदर पे इन लोगों का वर्किंग वगैरह होता होगा यार। अबे गिट्टी भर दी है बे इसमें। हां सामने तेरे को बैठा दूं क्या? कहां भी तो हो, हाइट बढ़ाओ, कंप्लेंट पियो देखना। अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री का एंगल होगा। चले भाई मुंबई और भी बहुत बड़ा है। ज़ॉम्बी से निकलूं क्या ऐसे करके? स्पाइडरमैन। तो यार यहाँ पे आना तो बढ़िया रह गया हम लोग का, और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता है, दिखाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ, इन 5 4 3 2 1 एंड सो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं बोट की तरफ बिकॉज बोट निकलने वाली है, एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5:30 और सो 5:30 के अराउंड पे यहाँ पे से लास्ट निकल जाती जो बोट रहती है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो वी जस्ट रियर दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बोट से निकल रहे एक्चुअली। फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारी मंजिल पे। कैसा था भाई, मतलब जो हम लोग का डे था ना आज का, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ अवर लाइफ। क्या एक्सपीरियंस था यार, जो सनशाइन थी गोल्डन सनशाइन, दैट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सनसेट देखने के बाद अब थोड़ा सा इंडिया गेट पे भी थोड़ा नजर मारते हैं, और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूं, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मैं सामने से भी दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा बैकग्राउंड आप लोगों को दिख रहा होगा। इट्स अ ह्यूज गेट, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, एक्साइटमेंट में पागल हो गया हूँ। तो यहाँ सबके सब क्या है, वो जो एक तो पोज है ना ऐसा वाला, रुको मैं दिखाता हूँ ये वाला जो पोज है ना, इसके लिए सबके सब लोग क्या है थोड़े से उत्सुक हो रहे हैं। किधर गए? ओके यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ सर, तो वो किसी का फोटो खींच रहे हैं, और मैं यहाँ रोम अराउंड कर रहा हूँ और थोड़ा सा घूम रहा हूँ। और होटल ताज तो यार अलग ही, चकाचौंध में ताज, और ये सेकेंड वाला भी ताज है। दिस वॉज न्यू टू मी, मेरे को भी पता नहीं था ये चीज़। खिंचाओगे क्या ऐसे करके? मुन्ना ऐसे करके खींचो क्या ऐसे करके नहीं
इसको पता ही नहीं कि मैं वीडियो ले रहा हूँ. अब बोल अब कैसे लगा? कोई लगता है कल कैमरा ले? अबे मेरे इसमें बैग में तो रखा है, क्या करेगा? वो वाला कैमरा निकॉन पिक्सल. अरे 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 अरे, कई फोटोग्राफी सर करेंगे निकॉन पिक्सल के साथ. अबे निकॉन का पिक्सल कौन सा है बे? ये बता दो तुमको, मैं तो गूगल पिक्सल सुना हूँ. चुप, पड़ेगा घर ले जाओ भिलाई में. क्या करना? मरीन ड्राइव चले? पहले इसको देख तो लेते अंदर से. चले के अंदर था तू बोली पापा भिलाई में जितना पैसा पूरा लेके आजू बाजू वाले भिलाई में पूरा पैसा लेके आना है बोलते जितना पैसा. फिर चर्चगेट के लिए बस पकड़ So right now we are here at the front of Church Gate. हम लोग आ चुके हैं. Approximately 15 minutes लगेंगे हम लोग मरीन ड्राइव पहुँचने में. तो हम लोग क्या है, कोई गाड़ी या कुछ ना लेके हम लोग पैदल जाने का प्लान किए हैं. तो चलते हैं वहाँ पहुँचते हैं, फिर बैठ के कुछ बढ़िया से बात करते हैं, कुछ चाय वाय भी पीते हैं. So right now we are at the original Marine Drive because there is a replica on our Raipur. तो वो भी अच्छा मेंटेन्ड है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ. बट दिस इज द ओरिजिनल मरीन ड्राइव वेयर वी आर एट. है कि नहीं? क्या बोलता है, क्या कैसा लग रहा है नज़ारा? भी वन टाइप पब्लिक को पब्लिक भी बढ़िया है. आगे चलना तो खुश नहीं लग रहा है तू यार? बहुत अभी क्या लग रहा है, देख रहे वहाँ पे आगे पे देख रहे सॉलिड 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 कड़क है, कड़क जगह. दो दिन तो हम लोग के आईटी में चले गए थे, एक दिन हम लोगों ने रेस्ट किया था. बाद ये शायद थर्ड या फिर फोर्थ डे हम लोग यहाँ पे आए हैं मरीन ड्राइव में. नो प्रॉब्लम, हमको लगा कि डिस्टर्ब कर देंगे. दिस इज द ब्यूटीफुल मरीन ड्राइव और यहाँ भेजा बैठे हैं. सर आप भी आ जाइए यहाँ पे. खुश है सर आप? वो पता नहीं किसी से थोड़ा मीटिंग का बात कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है अंधेरा है, जिसके कारण आप लोगों को कुछ भी यहाँ का समुंदर जो बोलते हैं ना वो नहीं दिखेगा. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है. इसको चप्पल उतार लेना पड़ेगा बिकॉज अगर गिर गई ना वांदे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नीचे गहरा है. हम लोगों ने अभी देखा था. मेरा कैमरा तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है लो लाइट में भी. एंड अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 मिनट हम लोग चल फिर के इधर बैठे हैं और एक छोटी सी जगह मिली जहाँ पे थोड़ा सा क्या खुला है. तो मैं बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को भी बता देते हैं ना. अभी कुछ खाने का नहीं दिख रहा यार. तो भैया बहुत देर बाद मरीन ड्राइव में बैठने के बहुत देर बाद हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग बहुत देर से निकले हुए, तो थक गए हैं, कुछ खाए भी नहीं है. तो हम लोग का यहाँ से जो जहाँ रुकने का है वो बहुत दूर है. तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और दैट्स इट फॉर टू डेज गाइज. देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद. तब तक के लिए बाय बाय. आपको बोलना है सर कुछ? नहीं ना, गुड नाइट बोल दें. गुड नाइट गुड नाइट ऐसा बोलने का. गुड नाइट, सी यू टुमारो.